की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी पुरानी सिटी के घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। जब ये लोग अपने नए घर की तरफ जा रहे होते हैं तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं और एक जंगल में चले जाते हैं। इस जंगल में इनको एक टनल दिखाई देती है तो ये लोग उस टनल के बाहर अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। इनकी बेटी का नाम चिहिरो होता है। चिहिरो के डैड सबको ये टनल को एक्सप्लोर करने के लिए बोलते हैं लेकिन चिहिरो को डर लग रहा होता है तो वो उन लोगों को अंदर जाने से मना करती है, लेकिन चिहिरो की कोई भी बात नहीं सुनता और ये लोग इसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग टनल के दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो इनको बहुत ही सुंदर जगह दिखाई देती है और ये इस जगह को एक्सप्लोर करते करते काफी आगे पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग्स को देखकर चिहिरो के डैड कहते हैं जरूर ये जगह अम्यूजमेंट पार्क रही होगी। अब यहाँ पर इन लोगों को खाने की खुशबू आने लगती है और ये लोग खाने की खुशबू का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ढेर सारा खाना रखा होता है। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि इन तीनों के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं होता। चिहिरो के डैड सोचते हैं कि पहले मैं खाना खा लेता हूँ, इसके बाद हम पैसे पे कर देंगे। ये लोग चिहिरो को भी खाने के लिए बुलाते हैं लेकिन चिहिरो खाना खाने से मना कर देती है और वो इन लोगों को भी मना करती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। चिहिरो को ये सब काफी अजीब लगता है और उसको डर भी लग रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, तो इस बात से परेशान होकर वो इस जगह को और देखने के लिए चले जाती है। अब चिहिरो एक ब्रिज के ऊपर पहुंच जाती है और वो अपने सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखती है। अब वो इस जगह को एक्सप्लोर कर ही रही होती है कि तभी एक लड़का उसके सामने आता है और वो उस पर जोर से चिल्लाकर उससे कहता है कि इस जगह से चले जाओ और वो उससे कहता है कि रात होने से पहले इस जगह से बाहर निकल जाओ। ये देखकर चिहिरो काफी डर जाती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। अब ये सब देखकर चिहिरो काफी डर जाती है और वो भागकर अपने पेरेंट्स के पास पहुंचती है। जब वो अपने पेरेंट्स को देखती है तो वो लोग पिग बन चुके होते हैं। ये देखकर चिहिरो बहुत डर जाती है और वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो इस जगह से बाहर नहीं जा पाती और वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देती है। अब चिहिरो नोटिस करती है कि वो धीरे धीरे गायब हो रही है। उसको कुछ समझ नहीं आता और वो परेशान होकर रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर वही लड़का आता है जो कि चिहिरो को पहले भी मिला था। अब वो उसको शांत करता है और उसको शांत रहने के लिए कहता है। उस लड़के का नाम हाको होता है। अब वो उसको एक गोली खिलाता है और उसको सब कुछ समझाता है और उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब वो चिहिरो की हेल्प करता है और उसको एक ब्रिज पार कराकर दूसरी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं जो कि स्पिरिट होती है। एक स्पिरिट वर्ल्ड होता है। यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई ह्यूमन यहाँ पर आया है और सभी लोग उसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। हाको चिहिरो को किसी तरह से बचा लेता है और उससे कहता है कि नीचे जाकर कामा जी को ढूंढो और उनसे काम मांगने की जिद पर अड़े रहना, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर काम नहीं मिला तो युवावा जो कि यहाँ पर एक चुड़ैल है और इस दुनिया पर राज करती है तुम्हें जानवर में बदल देगी और अगर तुम्हें यहाँ पर काम मिल गया तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। चिहिरो कामा जी के पास पहुँच जाती है और उनसे काम मांगती है लेकिन कामा जी उसको काम देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। लेकिन चिहिरो के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कामा जी उससे कहते हैं कि तुम्हें काम युवावा देगी और वो लिन के साथ उसको युवावा के पास भेज देते हैं। अब चिहिरो युवावा के पास पहुंच जाती है और उससे काम मांगने लगती है लेकिन युवावा उससे कह देती है कि हमें यहाँ पर इंसानों की कोई जरूरत नहीं है और वो उससे कहती है कि यहाँ पर ढेर सारी आत्माएं आराम करने के लिए आती है। लेकिन उसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद युवावा उसको काम देने के लिए तैयार हो जाती है और वो उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेती है और युवावा चिहिरो का नाम भी चेंज कर देती है और उसका नया नाम सेन रख देती है। अब यहाँ पर सेन लिन की असिस्टेंट बनकर काम करती है। यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलता है कि हाको ने सेन की हेल्प की है यहाँ पर काम ढूंढने के लिए। अब नेक्स्ट डे हाको सेन के पास आता है और उसको उसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए पे फार्म लेकर जाता है। जब वो यहाँ पर आती है तो अपने पेरेंट्स की ऐसी कंडीशन देखकर सेन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है लेकिन हाको उसको हिम्मत देता है और कहता है कि हिम्मत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब हाको उसको याद दिलाता है कि उसका असली नाम सेन नहीं बल्कि चिहिरो है और चिहिरो उसको बताती है कि मैं तो अपना असली नाम भूल ही गई थी। अब हाको उसको बताता है कि युवावा सभी लोगों के नाम चुरा लेती है और उनको पर हुकूमत करती है। अब यहाँ से सेन अपने काम पर वापस चले जाती है और हाको भी ड्रैगन बनकर यहाँ से उड़ जाता है। सेन बहुत ही मेहनत से अपने सभी कामों को करती थी और वो पूरा दिल लगाकर अपने कामों को करती थी। जब वो काम कर रही होती है तो वो देखती है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और एक स्पिरिट बाहर खड़ी है। सेन उस स्पिरिट को अंदर बुला लेती है और वापस से अपने कामों में लग जाती है। अब बाथटब साफ करते टाइम लिन सेन को हर्बल सोप लाने के लिए बोलती है। जब सेन हर्बल सोप लेने के लिए मैनेजर के पास जाती है तो मैनेजर उसको हर्बल सोप देने से मना कर देता है लेकिन यहाँ पर ब्लैक स्पिरिट की मदद से सेन को हर्बल सोप मिल जाता है और वो अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस बाथ हाउस में बहुत ही बड़ी स्पिरिट आती है जिससे कि बहुत ही बदबू आ रही होती है और कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता और सभी लोग इसकी बदबू की वजह से इस स्पिरिट से दूर भाग रहे होते हैं। लेकिन जो युवावा होती है वो इस स्पिरिट को
सर्व करने का काम सेन को दे देती है और सेन भी अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है। वो इसकी बहुत ही अच्छे से सफाई करती है और इस स्पिरिट के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो सबकी हेल्प लेकर वो सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है। ये स्पिरिट सेन से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो जाते टाइम सेन को एक जड़ी बूटी देकर जाती है और उसके अंदर से जितनी भी गंदगी निकली होती है उसके अंदर से सोने के पीसेस बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि वो एक अच्छी स्पिरिट थी। अब युवावा भी सेन से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रात में पार्टी का इंतजाम होता है। अब जब रात में लिन और सेन रेस्ट कर रहे होते हैं तो सेन लिन से हाकू के बारे में पूछती है और लिन उससे कहती है कि हाकू ऐसे ही कभी भी गायब हो जाता है और लिन कहती है कि उसने ये भी सुना है कि युवावा जबरदस्ती हाकू से गलत काम करवाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सेन देखती है कि एक ड्रैगन बहुत ज्यादा तड़प रहा है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे पेपर वर्ड्स हमला कर रहे हैं। सेन को पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि वो ड्रैगन हाकू है तो उसकी हेल्प करती है। अब सेन उस ड्रैगन को बचा लेती है और जब वो रूम के अंदर जाकर देखती है तो उस ड्रैगन को बहुत सारी चोटें आई होती है और वो दर्द से बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन उड़कर युवावा के रूम की तरफ जाने लगता है। सेन को उसकी जान की फिक्र हो रही होती है तो वो भी उसके पीछे पीछे युवावा के रूम में जाने लगती है, लेकिन एक पेपर बर्ड यहाँ पर सेन की बॉडी के पीछे चिपक जाता है। अब सेन बहुत मुश्किल से युवावा के रूम के बाहर पहुँच जाती है। सेन युवावा को किसी से बात करते हुए सुनती है और युवावा कहती है कि हाकू को आप मार दो क्योंकि अब वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब यहाँ से युवावा के बाहर जाते ही सेन उस रूम के अंदर चले जाती है और हाकू की मदद करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर युवावा का एक मोटा सा बच्चा आ जाता है और ये सभी लोग मिलकर सेन को बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं। ये सब देखकर वो पेपर बर्ड देखते ही देखते एक बिच का रूप ले लेता है जो कि बिल्कुल युवावा की तरह लग रही होती है, लेकिन इन दोनों में फर्क इतना होता है कि ये एक अच्छी बिच होती है और ये कोई भी बुरे काम नहीं करती है और ये युवावा की ट्विन सिस्टर होती है। अब ये बिच युवावा के बेबी को एक चूहे में चेंज कर देती है और जो थ्री हेड होते हैं उनको युवावा के बेबी में चेंज कर देती है। ये बिच सेन से कहती है कि हाकू ने युवावा के कहने पर उसका मैजिकल स्टोन चुराया है और जो भी उसका मैजिकल स्टोन चुराएगा उसका मरना तो तय है। ये बात सुनकर सेन बहुत ज्यादा डर जाती है और ड्रैगन और सेन दोनों एक टनल के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ड्रैगन को होश आ जाता है और सेन को लेकर वो उड़ने लग जाता है, लेकिन ड्रैगन की हालत इतनी खराब होती है कि वो ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाता और वो कामा जी के रूम में जाकर गिर जाता है। अब सेन सारा इंसिडेंट कामा जी को बताती है तो कामा जी उससे कहते हैं कि हाकू के अंदर ही ऐसा कुछ है जो कि उसको अंदर से मार रहा है। अब सेन वो जड़ी बूटी निकालती है जो कि उसको नदी की अच्छी आत्मा ने दी थी और वो आधी जड़ी बूटी हाकू को खिला देती है। वो जड़ी बूटी खाने के बाद हाकू के अंदर से वो मैजिकल स्टोन और शाप बाहर आ जाता है और वो वापस से नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। अब सेन डिसाइड करती है कि वो जेनिबा के घर जाएगी और उसको ये मैजिकल स्टोन लौटा कर आएगी जिससे कि ये श्राप हाकू के ऊपर से उतर जाए और हाकू की जान बच जाए। अब कामा जी उसको ट्रेन के टिकट देते हैं जो कि उन्होंने 40 साल से संभाल कर रख रखे थे और उसको एड्रेस भी बताते हैं। वो सेन से कहते हैं कि तुम जाने से पहले एक बार और सोच लो क्योंकि वहां से कोई भी वापस आने की ट्रेन नहीं है। सेन वहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी लिन उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि ब्लैक स्पिरिट तुम्हें बुला रही है और वो खाना खाकर बहुत मोटी हो गई है और उसने हमारे दो आदमियों को भी खा लिया है और युवावा बहुत ही गुस्से में है, तुम जल्दी चलो। अब जब सेन ब्लैक स्पिरिट के पास पहुंचती है तो ब्लैक स्पिरिट उससे कहती है कि तुम सारा सोना रख लो लेकिन मेरे पास रुक जाओ। अब सेन उसको आधी बची हुई जड़ी बूटी खिलाती है और कहती है कि ये मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बचाई थी लेकिन तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है तो तुम खा लो। वो जड़ी बूटी खाने के बाद ब्लैक स्पिरिट की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लग जाती है और वो वापस से अपने पुराने शेप में आ जाती है। अब सेन उस ब्लैक स्पिरिट को अपने पीछे पीछे बाथ हाउस से बाहर ले जाती है। बाहर लिन उसका वेट कर रही होती है क्योंकि वो उसको स्टेशन पर छोड़ने वाली थी। अब वो ब्लैक स्पिरिट भी यहाँ पर उसका पीछा करने लग जाती है। लिन की पूछने पर सेन उसको बताती है कि ये बस बाथ हाउस में जाकर ही ऐसा हो जाता है, बाकी टाइम तो ये नॉर्मल रहता है। अब ये दोनों जब स्टेशन पहुंच जाते हैं तो लिन वहां से जाते टाइम सेन से कहती है कि तुम एक सच्ची और अच्छी इंसान हो। अब जब वहां पर ट्रेन आती है तो ब्लैक स्पिरिट भी सेन के साथ ट्रेन में बैठ जाती है। अब ये सभी लोग जेनिबा के शहर तक पहुंच जाते हैं और एक लाइट इनको जेनिबा के घर तक गाइड करती है। अब दूसरी साइड हाकू को भी होश आ जाता है और कामा जी उसको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं और युवावा को भी पता चल जाता है कि ये उसका असली बेबी नहीं है और वो परेशान होकर सभी जगह अपने असली बेबी को ढूंढने लग जाती है। अब हाकू युवावा के पास आकर उसको बताता है कि उसका बेबी जेनिबा के पास है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बेबी को जेनिबा से वापस लेकर आऊंगा लेकिन उसके बदले में तुम्हें सेन और उसकी फैमिली को सही सलामत यहाँ से वापस जाने देना होगा। सेन जेनिबा को उसका मैजिकल स्टोन लौटा देती है और वो हाकू की साइड से उससे माफी मांगती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह हाकू को पूरी तरह से ठीक कर दे। अब जेनिबा सेन को तसल्ली देती है और उससे
कहती है कि श्राप पूरी तरह से टूट गया है, अब रात बहुत हो चुकी होती है, तो वो उन लोगों से वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। अभी सब लोग यहीं पर रुक जाते हैं और जेनिबा की हेल्प करने लग जाते हैं। अब सेन जेनिबा को बताती है कि वो हाको से कनेक्टेड फील करती है, तो वो उससे पूछती है कि क्या उसका पहले हाको से कोई रिलेशन रहा है। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि उसको हाको की फिक्र हो रही है और वो रोने लग जाती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और जेनिबा सेन को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। जब सेन दरवाजा खोलती है तो बाहर हाको खड़ा होता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सेन और युवावा का बेटा हाको के साथ वापस जाने लग जाते हैं, लेकिन ब्लैक स्पिरिट यहाँ पर जेनिबा के साथ ही रुक जाती है क्योंकि उसका अपना कोई भी घर नहीं था। अब जब ये लोग यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो सेन को अपने बचपन की मेमोरीज याद आने लग जाती है और सेन उससे कहती है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं छोटी थी तो मैं एक नदी में गिर गई थी और उस नदी का नाम कोहाकु था। इसका मतलब तुम्हारा रियल नेम भी कोहाकु है। ये बात सुनते के साथ ही ड्रैगन इंसान में चेंज हो जाता है और उसको अपने बचपन की सारी बातें याद आ जाती है और उसको अपना रियल नेम भी याद आ जाता है। वो सेन को थैंक यू बोलता है और उसे कहता है कि मेरा रियल नेम निकी हुआयामी कोहाकु है और वो बचपन में उससे मिला था। अब यहाँ पर सेन को भी याद आ जाता है कि बचपन में जिसने उसकी जान बचाई वो कोई और नहीं, दरअसल हाको ही था। अब ये दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद ही फाइनली बाथ हाउस पहुँच जाते हैं। अब बाथ हाउस वापस आने के बाद हाको युवावा से कहता है कि अपने वादे के हिसाब से तुम सेन और उसकी फैमिली को सही सलामत यहाँ से वापस जाने दो। अब युवावा का बेबी भी नॉर्मल बेबी बन जाता है और बाथ हाउस के सभी लोग और युवावा का बेबी भी सेन को सपोर्ट करते हैं और युवावा को उसकी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। चिहिरो आजाद हो जाती है और बाथ हाउस के सभी लोग उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब हाको उसे छोड़ने के लिए जाता है और वो उसे कहता है कि जिस रास्ते से तुम आई थी उसी रास्ते पर वापस चले जाना और वहीं पर आगे तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिल जाएंगे और पीछे मुड़कर मत देखना। चिहिरो को हाको की फिक्र हो रही होती है तो वो उससे कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही यहाँ से आजाद हो जाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी पुरानी यादें याद आ गई हैं और मुझे अपना नाम भी पता चल गया है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों असल दुनिया में जरूर मिलेंगे और यहाँ से चिहिरो चले जाती है। वो उसी रास्ते पर वापस चले जाती है और उसको आगे उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। उसकी पेरेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनको कुछ भी याद नहीं था और उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। अब ये लोग इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ वापस जाने लग जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।